आपका स्वागत करता हूँ वीडियो के साथ में। गम की अंधेरी रात में दिल को ना तू बेकरार कर, वो सुबह जरूर आएगी, बस तू उसका इंतजार कर। क्यों हम सुबह का इंतजार करते हैं दोस्तों? We know very well tomorrow never comes। जिस प्रकार से हर एक मोबाइल के फीचर्स, जिस प्रकार से दोनों मोबाइल के फीचर्स अलग अलग होते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग है, फीचर्स अलग अलग है, तो उसी प्रकार से हर एक इंसान के गुण, उसकी विशेषता, उसकी क्वालिटी अलग अलग होती है। लाइक लाला काका है, कचौरी बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं। अगर लाला काका अपनी दुकान के ऊपर प्रॉपर नहीं जाए तो क्या लगता है आपको लाला काका की दुकान चल पाएगी? अपने ठेले को प्रॉपर टाइम पे नहीं खोलते हैं, अपने काम के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो आपको लगता है कि लाला काका की दुकान चल पाएगी? कचौरी बनाने में एक्सपर्ट है, कचौरी बनाने बहुत डिलीशियस बनाते हैं, बहुत स्पेशल बनाते हैं, लेकिन भीड़ बहुत रहती है। लेकिन अगर वो प्रॉपर अपनी दुकान टाइम पे नहीं खोले, अगर अपने काम के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो आपको लगता है कि लाला काका की दुकान चलेगी? सो उसी प्रकार से दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती है जो हर एक इंसान की सिमिलर होती है, राइट? एक जूता पॉलिश करने वाले से लेकर टाटा बिरला अंबानी तक उसकी जो क्वालिटीज होती है वो सेम होती है दोस्तों। ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती है जो मतलब सिमिलर होती है फ्रेंड्स? जैसे आप एक, आपका चाहे आपका एक वर्किंग प्रोफेशन हो, चाहे आप कहीं काम करते हैं, या फिर आप मतलब कहीं आपके पर्टिकुलर कहीं जगह पे आप मतलब जैसे आप इफ यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, सो आपको इंटरव्यू पूछ सकता है कि क्या क्वालिटीज होती है, क्या एक सेल्समैन की क्वालिटीज होती है, या फिर आपका एक सिविल की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस आईपीएस की तैयारी में, आपका कोई भी एक वर्किंग प्रोफेशन क्यों ना हो। सो फ्रेंड्स ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती है? ऐसी क्वालिटीज जो आप इजी तरीके से बता सकते हैं किसी को भी, right? So we need to everything about these qualities. We have to work out these qualities for your business, for your work, for your personal life. So we need to improve these qualities. Friends, accountability. क्या आप अपने काम के प्रति accountability है आप में? आपके पास में आपका belief है? आप कहीं काम करते हैं, so you should have the belief. आपका belief है? क्या आप creative है कोई भी काम करने के प्रति? या फिर आप मतलब उसके प्रति आप कहीं मतलब आप कोई तैयारी कर रहे हैं, आप थोड़े से कमर्शियल अवेयरनेस है आप में आपके बिजनेस के प्रति, आपका डेडिकेशन अच्छा है काम के प्रति या नहीं है, आप में एनर्जी है काम के लिए, या फिर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, एनर्जी है आपके पास में? वी मस्ट हैव द एनर्जी फॉर डूइंग एनीथिंग। अपने पास में एनर्जी रहना चाहिए। फ्लेक्सिबल, क्या फ्लेक्सिबल है काम करने के लिए? फ्लेक्सिबल मतलब ऐसा नहीं कि मेरी कमर लचक रही है, नहीं लचक रही है, फ्लेक्सिबल उसको नहीं बोल, फ्लेक्सिबल ये बोल रहा हूँ कि आप कोई भी डिपार्टमेंट में कोई भी काम आपके पास में अपॉर्चुनिटी आती है दोस्तों, तो क्या आप अच्छे से कर पाते हैं, राइट? सो फ्रेंड्स आपके पास वो ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल है, जैसे मैंने आपको बताया तो मतलब प्रीवियस वीडियो में कि मतलब ग्रेट कम्युनिकेशन इस बात करने से बात बनती है दोस्तों, बात करती आती है कि नहीं आती आपको, राइट? सो अगर आप अपने काम में ऑनेस्ट हैं, मतलब आज के तारीख में ईमानदार तो कोई नहीं रख लेंगे, आप क्या आप ईमानदार हैं अपने काम के प्रति, राइट? क्या आप अपने काम को किसी हिसाब से नए ढाल में लेके जाते हैं? आप इंटरपर्सनल स्किल्स है आपके पास में, आपके काम के प्रति इंटरपर्सनल स्किल्स है आप, राइट? सो जिस प्रकार से मैं क्वालिटीज की बात कर रहा हूं, क्या आई होप सो कि आप अपने आप से मतलब एडजस्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, राइट? क्या आप अपने काम में जॉयफुल हैं? आज की तारीख में 80% एम्प्लॉय दे आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द जॉब। व्हाई? What the reason is behind? Because वो कहीं ना कहीं अपने काम को enjoy नहीं करते हैं. So we should become a joyful life, right? क्या आप अपने काम के प्रति leader हैं? आप joyful हैं? आपके पास वो leadership quality है कि नहीं है? कहीं पे भी आप काम करो, किसी भी organization में या individually कहीं काम करते हैं, तो आप में leadership quality है, आप joyful हैं, right? So friends, क्या आप अपने काम में king हैं? क्या आप राजा हैं? जैसे मैंने आपको मतलब काका का वो एग्जांपल दिया था, काका मतलब कचौरी बनाने में किंग है, तो क्या आप किंग हैं, राइट? सो फ्रेंड्स ऐसी क्वालिटीज, क्या आप मीनिंगफुल काम करते हैं? कहीं पे भी आप काम करो तो आपका काम क्या सेंसिबल है, क्या मीनिंगफुल है, जो लोग उससे सीखे, आपके काम से सीखे, राइट? सो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं जैसे इस क्वालिटीज की बात कर रहा हूं, सो फ्रेंड्स वी हैव टू फॉलो दीज क्वालिटीज, राइट? क्या आप मतलब जहां पे भी आप काम करते हैं, क्या आपका नेचर अच्छा है? कैसे आप लोगों से अटैच होते हैं, किसी हिसाब से लोगों से बातचीत करते हैं, तो आपका नेचर अच्छा है? कैसे मतलब आप मतलब कोई काम कर रहे हैं, आपने क्या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए आपके पास ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होती है जो मैंडेटरी होती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक लीडर के पास में? बोल देना कि बिकॉज अ ग्रेट लीडर हैव अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं, राइट? सो वी नीड टू लाइक दिस काइंड ऑफ द क्वालिटीज, वी हैव टू वर्क आउट, राइट? सो फ्रेंड्स क्या आप अपने काम के प्रति क्विक डिसीजन ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं? किस हिसाब से आप कोई भी आपको टास्क दिया गया उस टास्क को किस हिसाब से जल्दी से आप उसके पास में क्विक डिसीजन ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, राइट? आपके पास में
प्रॉपर नॉलेज है उस काम के प्रति, आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपका चाहे सिविल का आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या उस काम के प्रति या फिर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो प्रॉपर आपके पास नॉलेज है, आप कौन सी चीज में एक्सपर्ट है, आपके पास प्रॉपर नॉलेज है उसका, कहीं पर भी आप काम करते हैं, मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल दिया, फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप वहाँ आपकी क्या पंक्चुअलिटी नहीं है, वहाँ कैसे आप डे टू डे लाइफ में अपने प्रॉपर आप काम, जैसे कोई भी आपको टास्क दी गया, आपकी कोई मीटिंग है उसमें पंक्चुअलिटी है कि नहीं है, राइट। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपके पास में, कैसे आप अपने आप को अपने आप का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, कैसे अपने काम में स्टेबिलिटी लाए, राइट। सो वी नीड टू द स्टेबिलिटी फॉर द एवरी बिजनेस एवरी जॉब, वी नीडेड टू द स्टेबिलिटी सेल्फ कॉन्फिडेंस। फ्रेंड्स आज की तारीख में क्या होता है कि वन पर्सन एंड मल्टीपल वर्क्स, क्या वन पर्सन एंड मल्टीपल वर्क्स। सो दोस्तों अपने आप को इस हिसाब से मल्टीपल बनाएं ताकि आपके पास में कोई भी टास्क आए या कोई भी काम आए तो यू कैन डू इजीली, राइट। वी कैन डू एनीथिंग बिकॉज वी हैव लाइक दिस क्वालिटीज। So I hope so. We need to then work out for your qualities. So we have to do the work out for the our qualities. So I hope so. मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। जितनी शेयरिंग उतनी केयरिंग। So thank you so much, friends, for watching this.